क्या मिले। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत की एक और जबरदस्त लव स्टोरी मूवी, रोमांटिक मूवी जो कि तहलका मचाने आ रही है सिनेमा घरों में, और इस मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसकी रिलीज से पहले सभी गाने सुपरहिट हो चुके हैं और चार्ट बस्टर हो चुके हैं। तो इस मूवी के अंदर रोमांस के साथ साथ जबरदस्त इमोशन भी हमें देखने को मिलेगा, और यही रीजन है कि इस मूवी को रिलीज से पहले ही सुपरहिट माना जा रहा है। और ये सुपरस्टार रणबीर कपूर के लिए जबरदस्त वापसी हो सकती है, क्योंकि उनकी पिछली 2 से 3 फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप रही हैं। तो दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसके लीड रोल में आप सुपरस्टार रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे कपल पर जिनकी शादी के बाद जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उसको वो किस तरह से हैंडल करते हैं, सारी जानकारी के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी के अंदर काफी सारे हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस मूवी को रणवीर सिंह की वजह से देखने वाले हो या फिर आलिया भट्ट की वजह से, आप इन दोनों में से किसके फैन हो। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस मूवी को देखोगे या नहीं। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का एक और नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जिसका टाइटल है तुम जो मिले, और बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है जो कि मुझे भी बहुत ही पसंद आया है। और हिंदी फिल्मों का इतिहास गवा रहा है कि जब जब हिंदी फिल्मों के गाने सुपरहिट रहे हैं, तो जिस मूवीज के गाने सुपरहिट रहे हैं वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहती थी। और अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी आपको 28 जुलाई को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप भी रोमांटिक ड्रामा मूवी पसंद करते हो, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और नई नई मूवीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को भी दबा देना।